अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू। और आज का हमारा टॉपिक है सोक सीट। सोक सीट क्या होते हैं और उसको कैसे बनाते हैं, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। तो ये हैं हमारे पास कुछ सीट्स, जिसमें हमारे पास लाल लोबिया हो गया, ठीक है, चना दाल हो गई, वाइट लोबिया हो गया, गंदम हो गई, काला चना और माश की दाल। ये सब हमने आधा आधा किलो हमने ले लिया है और इन सब को हम मिक्स कर देंगे आपस में। सीड हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, आप देख सकते हैं तमाम सीड्स जो आपस में मिक्स हो चुके हैं। अच्छा, सोक सीड्स का फ़ायदा ये है कि एक तो जब बर्ड्स के चिक्स निकले होते हैं तो ये हम जब बर्ड्स को डालते हैं तो बर्ड्स जो हैं वो अपने बच्चों को नरम ग़िज़ा फीड करवाते हैं, जिससे बर्ड्स के चिक्स जो हैं उनका डाइजेशन अच्छा रहता है। दूसरा, हेल्दी है, सेहत के लिए अच्छा है। और एक और बात, इससे जो है वो आपके बाजरे का ख़र्चा बहुत कम हो जाता है। लाइक बर्ड जो है जब सीज़न में ब्रीड करता है तो वो बाजरा डबल ट्रिपल खाता है। तो जब आप ये सीड्स डालेंगे तो आप देखेंगे कि बर्ड जो है वो बाजरा कम खाएगा, क्योंकि आप एक टाइम उसको सोक सीड्स डालेंगे जिससे उसका पेट भरा रहेगा और वो अच्छा ब्रीड भी करेगा और अच्छी हेल्थ में भी रहेगा और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। तो अब ये सोक सीड्स देना किस तरह है बर्ड्स को, आइए हम चलते हैं आपको बताते हैं। हमने क्या करना है कि हर बर्ड्स के हिसाब से एक चम्मच, आपने हर पेयर के जितने आपके पास पेयर हैं उसने हिसाब से आप एक चम्मच डाल। मैं तो अपने अंदाजे से डाल दें, मुझे पता है मेरे बर्ड्स कितना खाते हैं, कुछ चिक्स निकले हैं मेरे पास, तो हमने अंदाजे से डाल देना है। डाल के आपने क्या करना है कि इसमें पानी मिक्स कर देना। जब हम पानी मिक्स कर लेंगे इसको हम दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी अगर फसल काटते वक्त जो कुछ भी केमिकल वगैरह लगा है तो वो उतर जाए, और अगर कोई मिट्टी लगी है तो वो भी इससे उतर जाए, ये साफ़ सुथरी हो जाए, ताकि हमारे बर्ड जो है वो हेल्दी रहे और बीमारियों से दूर रहे। देखें पानी जो है, देखें मिट्टी थी, थोड़ी बहुत मिट्टी थी, वो हम उसका पानी निकाल देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देना इतना कि ये डूब जाए, ठीक है। और उसके बाद आप ले जाएंगे अपने पास एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर ये इसलिए होता है कि लाइक जब आप, हमने जो है इसको 12 घंटों के लिए रखना होता है पानी के अंदर, तो उससे होता है कि बैक्टीरिया जो होता है, एप्पल विनेगर जो होता है बैक्टीरिया आने नहीं देता। हमने मिक्स कर देना है, वैसे मैं दो कैप्स डाल देता हूँ इसके अंदर, तो भी थोड़ा ज़्यादा डल गया, लेकिन कोई इशू नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। आपने ये मिक्स करके, ये सोक सीड हो गए हैं, इसको हमने 12 घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ देना है। जब हम नेक्स्ट डे आएंगे तो इसमें से पानी निकाल लेंगे, जब पानी निकाल लेंगे इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये पानी खुश हो जाए, उससे नहीं हम अपने बर्ड्स को डाल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।